एकादशी है। अरे बोलो तो जम के। हाव व्रत है। हाव ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, कई लोगों को हमारी बात बुरी भी लग जाए, कोई भरोसा नहीं, और लग जाए तो लग जाए, आग लगे बस्ती में, लग जाए तो लग जाए। कई लोग हैं गूगल पे सर्च कर रहे हैं, कई लोग हैं यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, कई लोग हैं फेसबुक पे सर्च कर रहे हैं, आज कौन सी एकादशी है और एकादशी के साथ में आज क्या खाऊं, इस एकादशी में क्या खाया जाता है, कई लोग सर्च कर रहे हैं। प्रदोष का व्रत है, प्रदोष के व्रत में आज मान लो मंगलवार का प्रदोष है, मान लो सोमवार का प्रदोष है, मान लो गुरुवार का प्रदोष है, तो प्रदोष में मैं क्या खाऊं, आज के व्रत में क्या खाया जाए। लोग नेट पर सर्च करते हैं, लोग गूगल पर सर्च करते हैं, किताबों में ढूंढते हैं, पोथी पुराणों में ढूंढते हैं क्या खाया जाए। हम क्या खाएं जिससे भगवान हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमें दर्शन दे। हम क्या खाएं, हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, किसी भोले व्यक्ति का, किसी गरीब व्यक्ति का धन मत खाओ, प्लाट मत खाओ, उसका पैसा मत खाओ। अगर तुमने उसका प्लाट नहीं खाया, उसका पैसा नहीं खाया, उस गरीब व्यक्ति का, उस भोले व्यक्ति को तुमने धोखा देकर कुछ अगर खा लिया, तो समझ लो कि भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम कुछ खाओ चाहे मत खाओ, पर किसी सीधे, किसी भोले और किसी गरीब व्यक्ति का हक मत खाओ, तुम्हें व्रत का फल मिल जाए, तुम्हें व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। हम क्या खाएं कि हमें व्रत का फल मिल जाए। हम दिन भर भूखे रहें, व्रत कर भी लें, और किसी गरीब व्यक्ति का हम धन खा जाएं, किसी को हम अपशब्द कह दें, ताने दे दें, गाली दे दें, आड़ा टेढ़ा कह दें, और किसी का पड़ा हुआ जरा सा मोबाइल उठाकर खा गए, किसी का थोड़ा सा सामान उठाकर रख लिया, तो ये इससे कभी परमात्मा प्रसन्न हुआ है क्या? बोलो री जी जी, छत्तीसगढ़ वालियों दिल से बोलो, जरा भगवान प्रसन्न हो जाएगा क्या? नहीं। तुम दिन भर के भूखे हो और तुम क्रोध कर रहे हो, तुम दिन भर के भूखे हो और चिड़चिड़ कर रहे हो, तुम दिन भर के भूखे हो और तुम गलत काम कर रहे हो, और सोचो कि भगवान आज मेरा व्रत है, भगवान मुझ पे प्रसन्न हो जाए। भगवान कहते हैं मैं इससे प्रसन्न नहीं होता, प्रसन्नता के लिए तुम क्या खा रहे हो मुझे उससे मतलब नहीं। भगवान तुम्हारे ये नहीं देखेगा कि तुमने व्रत में क्या खाया था क्या नहीं खाया था, भगवान तो ये देखेगा कि जिस दिन तेरा व्रत था तूने किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया था, बस परमात्मा ये देखेगा। भगवान केवल इतना देखेगा कि तुमने, नहीं भगवान ये नहीं देखेगा कि सावन महीने में जो एकादशी पड़ी थी उसमें इसने क्या खाया था, हिसाब लगाओ क्या क्या खाया था, तो तुम्हारा हिसाब थोड़ी ना लगाया जाएगा कि साबूदाने की खिचड़ी खाई थी कि बगर खाया था कि पूड़ी खाई थी कि वेपर्स खाया था कि तुमने ये खाया कि खीर बना के खाई, भगवान ये हिसाब नहीं देखेगा। भगवान ये देखेगा कि इसकी एकादशी का व्रत था, इसका प्रदोष का व्रत था, इसका सोमवार का व्रत था, इसका शिवरात्रि का व्रत था, इसका सोमवार की अष्टमी का व्रत था, इसने किसी का दिल दुखाया था कि नहीं दुखाया था, ये भगवान देखेगा। तुम्हारे खाने को नहीं देखता भगवान, तुम्हारे उस व्यवहार को देखता है कि व्रत वाले दिन तुमने भजन कितना किया, व्रत वाले दिन किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया, व्रत वाले दिन तुमने किसी के हृदय को चोट तो नहीं पहुंचाई, व्रत वाले दिन तुमने किसी को अपशब्द तो नहीं कहा, व्रत वाले दिन तुमने कोई आड़ा टेढ़ा कार्य तो नहीं करा। इसलिए परमात्मा के व्रत के साथ में एक नियम भारी रखो, आज अगर मेरा व्रत है, मैं अगर कुछ छोड़ भी रही हूं, कुछ खा भी रही हूं, तो ये विचार करना कि मैं किसी के दिल को ना दुखाऊं, मैं किसी के हृदय को चोट ना पहुंचाऊं, मैं किसी के चित्त को कोई चोट ना दूं। मरने के बाद
कितने लोगों को भोजन कराया ये मायना नहीं रखता। मरने के बाद तुम कितने लोगों को भोजन कराए ये मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है कि तुम जिंदा जी कितने लोगों को भोजन कराए, वो जरूरी है। तुम्हारे गांव में शिव महापुराण की कथा हुई, बालोद में शिव महापुराण की कथा हुई, सावन का महीना, 5 दिन की शिवपुराण की कथा मिली, 5 दिन की शिव महापुराण की कथा मिली, तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। ये जितने भी यजमान परिवार हैं इन सभी यजमानों को हम तो देखो इस व्यासपीठ से केवल ये कामना कर सकते हैं। हम ये जानते हैं 5 यजमान, 10 यजमान, 20 यजमान, 25 यजमान, 30 यजमान, 35 यजमान, 40 यजमान, 50 यजमान, जितने भी यजमान हैं हमारी जिभ्या पर उनका भले नाम ना आए, पर इतना याद रखना कि तुम वो यजमान हो जिसको शंकर भगवान ने पसंद कर कर रखा है, उसको पसंद, वो महादेव ने तुमको पसंद कर कर रखा है। कोई कोई सोने की रकम ऐसी होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती, कोई कोई सोने की रकम ऐसी होती है जो किसी को दिखाई नहीं जाती। उसमें ये यजमान जितने भी बने हुए हैं, या वो हीरा हो वो सोना हो, भगवान को धन्यवाद देना कि ये 5 दिन की कथा के हमें यजमान पद मिले। हम अगर थोड़ा बहुत देकर भी अगर कहीं यजमान पद प्राप्त करे तो ये उसकी उदारता होगी, कुछ तो उसने कृपा करी होगी जो हमारी जिंदगी सवार दी होगी। नाम मूल नहीं है, बैनर मूल नहीं है, शब्द मूल नहीं है, मूल है आपका किया गया समर्पण। मूल है आपका किया गया भजन। मूल भगवत स्मरण है। व्यवस्थाएं बहुत बड़ी होती